फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारा अधिकार न्यूज चैनल में। इस समय हम समाजवादी प्रेसिडेंट अबू आजमी जी के ऑफिस में उपस्थित हैं, जहां पर मिली तहरीक के जानिब से आने वाले इलेक्शन महाराष्ट्र बजट 2021 के बारे में एक मीटिंग ली गई, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के एक्सपर्ट को बुलाया गया, उनकी एडवाइस उनके सजेशन को लिया गया। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ हम अबू आजमी जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज चैनल। आज की जो मीटिंग हुई उसका टॉपिक ये था कि असेंबली का सेशन शुरू हो रहा, इसमें हमारे मसाइल क्या क्या हैं, बजट का एलोकेशन कितना होना चाहिए। जैसे माइनॉरिटी का बजट है बहुत कम रहता है, दूसरे स्टेट्स में बहुत अच्छा बजट है, तो यहाँ क्यों नहीं। उर्दू अकेडमी का बजट ही नहीं, उसका स्टाफ जो है उसके ख़त्म होता जा रहा है, सिर्फ एक दो स्टाफ बचे हैं। उर्दू अकेडमी का स्टाफ होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो हैं औने पौने दाम पर लोग ले रहे हैं, उसका किराया बहुत कम मिल रहा है। अभी एक प्रॉपर्टी कहीं दी गई, इसका 2.5 लाख किराया आ रहा है। इसी तरह से अगर सारी प्रॉपर्टी का जो रिव्यू लेकर के जो नए कानून के हिसाब से दिया जाए, तो वक्फ बोर्ड को अच्छा पैसा आएगा। और वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है, और उसमें जो है कम्युनिटी के लोग जो बेवा औरतें हैं, विडोज़ हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं, मौज़िन हैं, इन सबों का खर्च जो है उसी से चलना चाहिए। तो इन चीज़ों में डिस्कशन हुआ है। कोर्ट में कोर्ट बहुत कम है, मकलोका कोर्ट है, NIA कोर्ट है, 10-10 साल से लोग पड़े हुए हैं, केसेस नहीं चल रहे हैं। मालेगांव के केस में 2008 केस में ATS को आना है, ATS आता नहीं कोर्ट के अंदर, केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे एजुकेशन का मामला है, लोन नहीं, एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, नए नए कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल पे है डिस्कशन हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको उठाएं। और एक ख़ास तौर से एक यहाँ पे वो रेजोल्यूशन हो रहा है कि CAA NRC कानून 13 स्टेट में ये CAA NRC लागू नहीं होगा। ये 13 स्टेट ने कर दिया, तो अगर हमारी सरकार भी सेकुलर है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं करता। महाराष्ट्र को भी ये रेजोल्यूशन मूव करना है। मुस्लिम रिजर्वेशन पे बहुत बीजेपी के राज में जब उनकी सरकार थी, तो कांग्रेस ने, NCP ने, हम सब लोगों ने डिमांड किया था, और अब सरकार हमारी आ गई है, तो अब मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों में डिस्कशन हुआ है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हाउस में इसको अच्छी तरह से उठाएँ और ये जो डिमांड है उसको पूरी करें। सर, इस्माइल यूसुफ कॉलेज के एंक्रोचमेंट का इशू बहुत दिनों से चल रहा है, और रिसेंटली अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़हीर कादरी साहब ने नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया था कि वो मुस्लिम ट्रस्ट को सौंप दी जाए, लेकिन अब तक मोदी जी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और वो कॉलेज वैसे के वैसी है। आप समाजवादी प्रेसिडेंट होने के नाते उसका फ्यूचर कैसे देखते हो? नहीं, उसका फ्यूचर तो ख़राब ही चल रहा है उसका। उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं उस पर फॉलो नहीं हो रहा है। 20% मुस्लिम रिजर्वेशन लिखा हुआ, स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन लिखा हुआ, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। और जो इसमें जिस तरह से इस्लामिक और उर्दू और फारसी पढ़ाने का था, वो उसमें ख़त्म होता जा रहा है, तो इन चीज़ों इसका फ्यूचर ठीक नहीं है। और जो ज़हीर कादरी साहब गए थे नरेंद्र मोदी जी के पास, नरेंद्र मोदी जी जो आपके पास है वो खींच ले लेंगे आपको, आपको देंगे क्या, किसी को दे रहे हैं क्या वो? खास तौर से मुसलमानों के तो खिलाफ ही सरकार है ये, मुसलमानों को कहीं से कुछ मिलने ना पाए, ये तो मोदी जी का जो विज़न चल रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, महाराष्ट्र में आवाज़ बुलंद करेंगे, शायद कि बहरी सरकार को कभी हमारी आवाज़ सुनाई जाए। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि ये बजट को लेके मुस्लिम की जो महिलाएं हैं उन लोग काफ़ी मतलब परेशान भी रह रहे हैं, और 3 तलाक का मुद्दा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और शिक्षा को लेके उन लोग काफ़ी गंभीर रूप से तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। जो चीज़ उनको मतलब जो फीस के लिए होता है वो उनको फीस ना मिलने के कारण उनकी विद्या जो है वो आधी रुचि रह जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, माइनॉरिटीज़ को सरकारी नौकरियां बहुत कम मिलती हैं, उनकी एजुकेशन कम है क्योंकि उनका पैसे कम है। जिस तरह से SC ST को जिनका रिजर्वेशन है, दूसरे कम्युनिटीज़ को फ्री पढ़ाई होती है, फ्री सब कुछ मिलता है, उनको हॉस्टल फ्री मिलता है, उनको बिस्तर कपड़ा तक सब कुछ फ्री मिलता है, उस तरह से मुसलमानों को नहीं मिलता। तो मुसलमानों में पहले से गरीबी है क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती, और गरीबी सिर्फ इसलिए है, जब गांधी जी ने इस मुल्क के अंदर जो कहा था कि स्वदेशी आंदोलन चलाया था, तो मुसलमानों के पास बहुत दौलत थी, उन्होंने लात मार दिया, सनलाइट साबुन हो, या जो ये है यहाँ पे बाटा शूज़ हो, या मुगल लाइन के जहाज़ हो, इस तरह के हज़ारों बिजनेस मुसलमानों के हाथ में थे, लेकिन मुसलमानों ने गांधी जी की आवाज़ पर लब्बैक कहा और लात मार दिया। वही सब कंपनियाँ मारवाड़ियों ने, गुजरातियों ने खरीद लिया और बड़े आदमी बन गए, मुसलमान फ़कीर हो गया, गरीब हो गया, इस मुल्क के
इस मुल्क की ईद की आज़ादी के लिए उसने कुर्बानी दिया है, लेकिन आज उन मुसलमानों के साथ यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके बच्चों को फीस नहीं मिल रही है, आज जो है ये उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनको एक एक लाख दो दो लाख रुपया जो है फीस देनी पड़ती है, एडमिशन के लिए देनी पड़ती है, तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लोग आए थे यहाँ पर, देखते हैं हम लोग कितना उनको मदद कर सकते हैं। सर, सेंट्रल में 4 लाख करोड़ का बजट मुस्लिम एजुकेशन पर सैंक्शन किया जाता है, लेकिन सिर्फ हमें 500 करोड़ का बजट दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि मोदी राज में स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ है उनके ऊपर ज्यादती हो रही है? नहीं नहीं, मोदी जी ने तो अपने गुजरात में माइनॉरिटीज़ को जो था बजट था वो तो ख़त्म ही कर दिया था, जो माइनॉरिटीज़ को वो मिलती थी स्कॉलरशिप वो ही बंद कर दिया था, तो उनके राज में तो कहीं से भी माइनॉरिटीज़ को कुछ मिलने ना पाए तो उनका एम है। मिली तहरीक पे लोगों को बुलाया गया, डिफरेंट शोबे में डिफरेंट पार्ट में काम करने वाले लोग, कोई उसमें एडवोकेट्स हैं, कोई एजुकेशन में काम करता है, कोई सोशल वर्क करता है, ऐसे सारे लोगों को बुलाया गया उनसे कि भाई अगर बजट सेशन चल रहा है हमारे मसले क्या क्या हैं, खासतौर से माइनॉरिटीज की, और क्या मसले हैं, क्या क्या आप लोगों को असम्बली में उठाना चाहिए, तो वो इन चीज़ों बात हुई। देखिए, सबसे बड़ा मसला है कि जो पिछली सरकार थी बीजेपी की, इसके पहले बीजेपी सरकार में कांग्रेस ने, एनसीपी ने, हम सब लोगों ने हमेशा हर सेशन में आवाज़ लगाई कि भाई मुसलमानों का रिजर्वेशन जो कोर्ट ने कह दिया है कि 5% एजुकेशन में मिलना ही चाहिए, कोर्ट ने कह दिया तो फिर देर किस बात, लेकिन पिछली सरकार में कांग्रेस ने, एनसीपी ने, हम लोगों ने सब बहुत ज़ोर से हर फ्लोर पे हर असेंबली का सेशन उठाया, लेकिन अब सरकार हमारी आ गई है जिसमें कांग्रेस एनसीपी खुद जो है सरकार में बैठे हुए हैं शिवसेना के साथ, तो अब ये चुपचाप क्यों बैठे हैं, लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप सरकार के पार्ट हैं, हिस्सा हैं, आप इसको असेंबली में उठाइए, ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पे रिजर्वेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत से बच्चों को जो है एजुकेशन की प्रॉब्लम है, और जो एजुकेशन लोन मिलता है वो लोन नहीं मिल रहा है, नौकरियों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसमें ATS को आना चाहिए, ATS नहीं आ रही उसमें, जिसकी वजह से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो ऐसे केसेस है 10-10 साल से चार्जशीट नहीं आई हुई है, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों ने बताया जो आगे असेंबली में उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन असेंबली कितने दिन की होती है, कितना चांस मिलता है, अलग बात है, इन चीज़ों में बात हुई है। ये मैं नहीं चीज़ इस्माइल यूसुफ कॉलेज को लेकर क्या नहीं, देखिए इस्माइल यूसुफ कॉलेज में है बेसिकली उस पर लिखा हुआ है कि ये उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, फारसी और माइनॉरिटी को 20% इसमें एडमिशन होना ही चाहिए, लेकिन ये लोग माइनॉरिटी को जो 20% लिखा हुआ उस एक सेक्शन में देते हैं, स्टार्टिंग में बाकी आगे देते नहीं, कॉलेजेस में आगे जो है हायर स्टडीज़ में उनको नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे 65 एकड़ ज़मीन थी, अब जो है 45 एकड़ बची हुई है, लेकिन सारे लोग ऐसा लगता है कि बंदर बांट रही है कि ये ज़मीन जो है फ्री की मिल गई है उसको ले लो, जबकि ये माइनॉरिटीज़ की थी, और इसके पहले श्री शरद पवार साहब और कांग्रेस के लीडरान, एनसीपी के लीडरान सब ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम पावर में आएंगे तो ये स्कूल जो है इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो है मुस्लिम ट्रस्ट को दे देंगे, आज तक नहीं मिला, ये बहुत बड़ा एक मसला उसका है, वो सब लोगों ने यहाँ उठाया हुआ है। उर्दू अकेडमी को बहुत कम वो मिलता, फंड मिलता है, माइनॉरिटीज़ का फंड बहुत कम यहाँ पर है, बहुत सारी ज़मीनें जो हैं इसकी जो है वक्फ बोर्ड की जो सिर्फ चंद रुपए में पड़ी हुई है, लोगों ने किराए पर ले रखा है, जो अभी एक नए कानून के मुताबिक अभी एक प्रॉपर्टी का ही 2.5 लाख रुपये महीना आता है, तो कुछ उर्दू तो कुछ जो है वक्फ। सर, मेरा आपसे सवाल है कि मोदी जी ने मुंगेरी लाल के बहुत से हसीन सपने दिखाए, विकास बढ़ाने की बात किए थे, और उन्होंने उसमें महंगाई भी ला दी है, पेट्रोल और डीजल के भाव इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि आम जनता खुद पस्त हो चुकी है, और आप समाजवादी के एक जुझारू नेता हो, आपने समाज के लिए काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत किया है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे सर? नहीं नहीं, मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल मुल्क को चला नहीं पा रही है, इनको ढंग नहीं कैसे मुल्क चलाया जाए, ये व्यापारी लोग हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, ये दो लोगों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, इन्होंने किसानों को परेशान कर डाला, किसान आज बैठा हुआ है, और मुझे लगता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होगा ये, और इतने महीने से बैठा है किसान, मोदी जी सुनने को तैयार नहीं है, आज पेट्रोल का भाव बढ़ता जा रहा है, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब मोदी जी
दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठे थे तो मोदी जी इनके बीजेपी के लोग या मोदी जी कितना चिल्ला रहे थे पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है 2012 में, अगर उनको वीडियो देख दिया जाए उस वक्त के वीडियो देखें आप आज के देखें तो शर्म नहीं आती उन लोगों को कैसी बातें करते हैं। उस वक्त जो कह रहे थे कि सरकार चलाना नहीं आती और आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सरकार के कंट्रोल में है नहीं पेट्रोल और डीजल का भाव, जबकि आप देख आप जाके देखिए दूसरे मुल्कों में पेट्रोल डीजल का भाव इतना ज़्यादा नहीं है। मोदी जी इस देश से गरीबों गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को ख़त्म कर देना चाहते हैं और बहुत कह रहे किसानों को जो है उनकी डबल आय हो जाएगी आत्मनिर्भर करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं आत्महत्या कर रहे हैं किसान। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, 2014 और 2019 में मोदी जी इलेक्शन जीत के आए हैं, एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें कहा गया कि मुकेश अंबानी ने मोदी जी की हेल्प की और ईवीएम में हैकिंग हुई, क्या आप इस पक्ष में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सबको शक है, अगर किसी चीज पे शक है तो वो जो है ये जो मशीन है ईवीएम को हट जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम जिसने बनाया जिन्होंने ईजाद किया उसकी चीफ जिसने बनाया वो मुल्क खुद ईवीएम इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आज जो इसराइल में वो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हमको डर है कि कहीं ना कहीं इसको जो है इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा, हैक कर लिया जाएगा। जापान नहीं कर रहा है तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि देश की सारी जनता को खड़े होकर के इसकी मुखालफत करना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि इसके पहले इलेक्शन में फुल सपोर्ट था ये बड़े बड़े कॉरपोरेट का।